मनोरमा ग्रुप जो सोचता है वो कर नमस्कार, मैं अभिषेक आनंद और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। बिहार में शिक्षा विभाग को बेहतर करने के लिए नीतीश कुमार हर प्रयास कर रहे हैं और एस सिद्धार्थ ने और भी सख्ती बढ़ा दी है। स्कूलों का निरीक्षण कर रहे अधिकारियों के ऊपर जो खाना पूर्ति करते हैं उनके ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है और ये आदेश एस सिद्धार्थ ने पत्र लिखकर उन अधिकारियों को भेजा है। क्या है पूरी खबर, आइए हम आपको बताते हैं विस्तार में। बिहार के सरकारी स्कूलों में निरीक्षण के नाम पर खाना पूर्ति करने वाले पदाधिकारियों और कर्मियों पर कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा विभाग ने कहा है कि स्कूलों में निरीक्षण करने वाले पदाधिकारियों की यह जिम्मेदारी है कि वह वहां की कमियों को दूर कराएं, होने तक अनवरत प्रयास करते रहें। अगर कोई पदाधिकारी लापरवाही करते नजर आया तो उस पर एक्शन होगा। इसको लेकर विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बुधवार को सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखा है। जिलाधिकारियों से कहा है कि स्कूलों के निरीक्षण रिपोर्ट की वह अपने स्तर से भी समीक्षा करेंगे। अगर वैसी कमियां हैं जिन्हें दूर करने में उनके स्तर पर दिक्कत आ रही है तो इसका प्रस्ताव विभाग को भेजें। विभाग ने यह भी कहा है कि 6 जून 2024 से करीब 8000 पदाधिकारी कर्मी राज्य के हर जिले में सभी स्कूलों का नियमित निरीक्षण कर रहे हैं। उद्देश्य है कि सरकारी स्कूलों का संचालन निर्धारित मानकों के अनुरूप हो रहा है या नहीं। निरीक्षण और मॉनिटरिंग को प्रभावी बनाने की जरूरत है। इसके तहत शिक्षकों और बच्चों की उपस्थिति, आधारभूत संरचना के साथ साथ शैक्षणिक गतिविधियां आदि की मॉनिटरिंग की जानी है। इससे शैक्षणिक परिवेश में सुधार होगा तथा सरकारी स्कूलों के प्रति अभिभावकों और बच्चों का आकर्षण भी बढ़ेगा। जिला उप विकास आयुक्त द्वारा जिले के शिक्षा विभाग के सभी कार्यालयों में पदस्थापित सभी पदाधिकारियों एवं कर्मियों को स्कूल मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी दी जाएगी। हर पदाधिकारी कर्मी को 3 माह के लिए 10 से 15 स्कूल आवंटन किए जाएंगे, उन्हीं की संपूर्ण देखरेख में रहेंगे। राज्य मुख्यालय भी प्रत्येक सप्ताह 10-10 रैंडम स्कूलों की सूची जिलों को भेजता रहेगा, जिसकी जांच उप विकास आयुक्त वरीय उप ने कहा है कि राज्य स्तर पर गठित मॉनिटरिंग कोषांग द्वारा ई शिक्षा कोष पोर्टल पर जिला के निरीक्षी पदाधिकारी द्वारा अपलोड की गई रिपोर्ट तथा राज्य मुख्यालय जिलाधिकारी के नोडल पदाधिकारी से प्राप्त रिपोर्ट का मिलान होगा। जांच रिपोर्ट में भिन्नता मिलने पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई भी होगी। आपने सुना कि एस सिद्धार्थ ने उन तमाम अधिकारियों को कहा है जो निरीक्षण के लिए खाना पूर्ति करते हैं और आगे भी इस तरह के निरीक्षण हुए तो एस सिद्धार्थ उनके ऊपर कार्रवाई भी कर सकते हैं। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, और भी खबरों के लिए जुड़े रहिए पनोरमा ग्रुप जो सोचता है वो